शुक्रवार को भोरंज विधानसभा से कांग्रेसी नेता प्रेम कौशल ने हमीरपुर के प्रीतिगृह में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर उपचुनाव होगा तो उनकी दावेदारी भी रहेगी और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर पार्टी किसी और को टिकट देती है तो हम सब साथ हैं और चुनाव जीतने की उनकी प्राथमिकता रहेगी। देश के मुख्यमंत्री बने तब तब भोरंज विधानसभा क्षेत्र के साथ अन्याय हुआ। भोरंज विधानसभा क्षेत्र हर दृष्टि से पीछे गया। प्रेम कुमार धूमल जी ने हमीरपुर जिला के अंदर एक मुख्यमंत्री की तरह काम नहीं किया। उन्होंने उनका जो अपना विधानसभा क्षेत्र है उसके विधायक के तौर पर ज्यादा काम किया। उस ब्लॉक से पंचायतें काट के टोनी देवी ब्लॉक में डाली गई। पीडब्ल्यूडी का डिवीजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एक नया हमीरपुर जिला के अंदर खुला, जो निश्चित तौर पर भोरंज में खुलना चाहिए था, उसको टोनी देवी खोला गया। और भोरंज विधानसभा क्षेत्र को तो जिस तरह कहते हैं सैंडविच, वो बना दिया, वो हालत कर दी। होगा चुनाव होगा नहीं होगा उसके लिए जो कानूनी प्रावधान है, संविधान में जो व्यवस्था है उसके मुताबिक चुनाव आयोग फैसला करेगा। उसमें किसी राजनीतिज्ञ की सलाह मेरी या किसी और की वो मायने नहीं रखती। वो एक कानूनी प्रक्रिया के तहत अगर वो बनता होगा तो होगा, नहीं बनता होगा तो नहीं होगा। लेकिन भोरंज विधानसभा क्षेत्र में चुनाव उपचुनाव हो चाहे जनरल इलेक्शंस में हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करेगी। चुनाव चाहे अभी हो चाहे जनरल इलेक्शंस में, जो भी होगा इस बार, जैसा भी हो, जो भी कैंडिडेट होगा ना, उसके साथ हम